जिससे जो है फ्रेंच फ्राइज को बोलते हैं, फिर थोड़ा सा बीट जो है चुकंदर भी बोला जाता है ये डाला जाएगा। 10 में से 10 नंबर है। हेलो मैम, मैं हूं पल्लव साली, स्वागत करता हूं एक और नए ब्लॉग के अंदर। उदयपुर प्लॉट्स की ओर से हम आ चुके हैं, जितने भी नॉनवेज के लवर्स हैं, आज मैं आपको नॉनवेज का वो टेस्ट कराने वाला हूं जो उदयपुर के अंदर यूनिक टेस्ट है और उदयपुर के अंदर बहुत ही कम समय के अंदर एक बहुत बड़े पे छाप छोड़ चुका है। अभी जब हम जहाँ पर खड़े हैं वो है मेवाड़ सर्कल के बिल्कुल ही पास में, जो सुबहपुरा के आसपास आता है, और जिस जगह का हम ब्लॉग बनाने वाले, जिस फूड को आज हम कवर करने वाले, वो कन्नौट पैलेस के जस्ट सामने है। एक बहुत ही कम समय के अंदर बड़ा नाम बनाने वाला है द शोरमा बडीज के नाम से, उदयपुर का सबसे फेमस शोरमा, जहाँ पर दुनिया भर के आपको लजीज लजीज टेस्ट मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं रेगुलर, पेरी पेरी, तंदूरी, शेजवान, चीजी, बारबेक्यू, स्पेशल यहाँ का शोरमा है और एक चिकन सैलेड भी यहाँ पर अवेलेबल है। तो देखते हैं इसकी मेकिंग कैसे होती है और किस तरीके से बनता है और हम इसका टेस्ट करके बताते हैं आपको। तो ये क्या चीज है सर? सर ये चिकन शोरमा रोल है। अच्छा, और ये किस तरीके से बनता है? ये अभी हम आपको बताएंगे ट्रिक, ये कैसे बनता है और क्या क्या इस चीज में पड़ता है, क्या क्या इस्तेमाल होता है। अच्छा, हाइजीनेशन का पूरा ध्यान रख रहे हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल पूरा एकदम साफ सफाई हर एक चीज से। जैसा कि आप देख सकते हो भैया ने अपनी पूरी कैप लगा रखी ताकि बाल नहीं गिरे और पूरी तरीके से हाइजीन तरीके से इस फूड को बनाया जाएगा। देखते हैं इसकी मेकिंग कैसे, क्या क्या चीज डलती है। आप भैया बताइए कि एक चीज को क्या क्या चीज है, ऑडियंस तक ये जाना चाहिए कि क्या क्या चीज है। देखो पहले हम ये रोटी गर्म करते हैं जिसका नाम है खबूस। खबूस, खबूस रोटी है जो हम इसको पहले गर्म करते हैं। ऐसे मैंने पहले मैं गर्म करता हूँ इसमें, आग इधर से अंगार निकलता है और इसमें रोटी पहले गर्म होती है। जैसे कि ये रोटी गर्म हो गई, जैसे कि रोटी गर्म होगी पूरी फुल, अब मैं यहाँ पे रख दिया। उसके बाद में इस पर हम ये मेयोनीज क्रीम है जो हम बनाते हैं खुद अपने हाथ से ही। उसके बाद में इसमें हम शेजवान थोड़ा सा डाल दिए। उसके बाद में थोड़ा सा इसमें हम टमाटर केचप डाले। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा हम तंदूरी सॉस मिला दिए। इसको हम चम्मच से ऐसे मिलाएंगे, पूरी रोटी पे लगाई जाएगी। उसके बाद में इसमें थोड़ा सा पत्ता गोभी डाला जाएगा, थोड़ा सा ये आलू का ये चिप्स है जो फ्रेंच फ्राइज को बोलते हैं, फिर थोड़ा सा बीट जो है चुकंदर भी बोला जाता है ये डाला जाएगा। चिकन जो इस पे हम चिकन डाले रोटी के ऊपर वापसी, फिर ऊपर से थोड़ा मेयोनीज डाल दिए। थोड़ा सा शेजवान मार दिए और ऊपर अब हम इसको रोल करने जा रहे हैं। ये रोल कैसा होएगा, ये ऐसा रोल होता है, फिर इसको हम ऐसा फाड़ के यहाँ पे रख देते हैं गरम के लिए। और हमारा ये शोरमा तैयार हो गया।
ये आ चुका है हमारा यहाँ का सबसे फेमस शोरमा रोल तंदूरी है, टेस्ट करके बताएंगे। सबसे पहले इसकी स्टफिंग पूरी तरीके से क्रीमी, मतलब उदयपुर के अंदर मैंने 6 से 7 तरीके के शोरमा रोल खाए हैं आज दिन तक की जिंदगी के अंदर, वन ऑफ द बेस्ट। शायद आउट ऑफ भी मैं गया हूँ पर इतना टेस्टी शोरमा रोल मुझे कहीं नहीं मिला। 10 में से 10 नंबर। एक बार ट्राई जरूर करें शोरमा बीट्स निवार सर्कल, बहुत सारी वेराइटी है बट रेगुलर तंदूरी सबसे फेमस। तो हमने तो टेस्ट कर लिया कि हमें तो जैसा मैंने बताया मैंने 10 में से 10 नंबर दिए, कस्टमर्स भी यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबल है। एक भैया मुझे लग रहे हैं, भैया क्या नाम है अपना? सर आर्यन। आर्यन जी आप जो शोरमा खा रहे हैं वो कौन सा शोरमा है? सर स्पेशल शोरमा है। यहाँ का जो स्पेशल शोरमा है आर्यन जी ने बहुत सेलेक्ट किया है। आर्यन जी बताइए कि कैसा टेस्ट है शोरमा का और यहाँ पे कितने टाइम से आ रहा है? मेरे को तो सर टाइम हो गया है, 6-7 महीने से मैं रेगुलर खा रहा हूँ, मतलब एक दिन छोड़ के एक दिन हो जाता है लेकिन मोस्टली रेगुलर होता है। अच्छा टेस्ट कैसा है आपका? टेस्ट बहुत अच्छा है, मतलब क्रीमी टेस्ट है, इसके जो सारे इंग्रेडिएंट्स है बहुत प्यारे हैं। और हाइजीन का कैसा ध्यान रखते हैं? एकदम सही हाइजीन है, कुछ कचरा वचरा बिल्कुल नहीं है। और आप ही टेस्ट करते हैं घर परिवार में भी? सब करते हैं, अभी देख सकते हैं मैं अभी लेके पैक करा है, पैक करके भी ले जा रहे हैं, मतलब इतना अच्छा शोरमे का टेस्ट होने वाला है। भैया अगर 10 में से नंबर देना हो तो? 10 में से 10 देंगे हम। भैया ने भी 10 में से 10 नंबर दिया, वाकई में ऑसम टेस्ट है। एक और भैया से रिव्यू लेते हैं। भैया आपका नाम? मेरा विष्णु। विष्णु जी कितने टाइम से शोरमा खा रहे हैं आप? मैं अभी 2-2.5 साल से खा रहा हूँ यार। अच्छा ओके, और कैसा टेस्ट है? बहुत बढ़िया टेस्ट है, इधर ही आ रहा हूँ। और 10 में से नंबर देने हो तो? हाँ जी 10 में से 10 नंबर है। भैया ने भी 10 में से 10 नंबर दिए, मतलब शोरमा वाकई में लाजवाब है। और एक भैया और अवेलेबल है, उनसे भी पूछ लेते हैं ताकि 3 लोगों का जो पता पड़ जाएगा। भैया 2 मिनट लूंगा आपके, क्या नाम है आपका? महिराज सिंह मेरा नाम है। महिराज जी कौन सा शोरमा लिया है आपने यहाँ का? तंदूरी स्पाइसी शोरमा। जो मैंने लिया था तंदूरी स्पाइसी, भैया ने वो लिया है। भैया किसी हाइजीन में कितने नंबर देंगे इनको 10 में से? हाइजीन आई वुड गिव 10 out of 10। और टेस्ट में कब से खा रहे हैं आप यहाँ पर? आई हैव बीन ईटिंग फ्रॉम पास्ट 10 ईयर। तो इसी के साथ हम इस आज के ब्लॉग को खत्म करते हैं। नॉनवेज लवर जितने भी है एक बार शोरमा बडीज के शोरमा को जरूर ट्राई करना चाहिए। आर के सर्कल के बिल्कुल पास में है, 70 रुपीज़ से यहाँ पे एक रेगुलर शोरमा स्टार्ट है और 70 रुपीज़ के अंदर जो शोरमा अवेलेबल है वो आपका दिल जीत लेगा। एक बार विजिट करें, ट्राई करें और बल्क ऑर्डर के अंदर आपको अलग से डिस्काउंट भी मिलेगा। तो शादी पार्टी लोकेशन जितने भी काम के लिए आप शोरमा बडीज को एक मौका जरूर दीजिए, क्योंकि उदयपुर के अंदर काफ़ी कम समय के अंदर इसने धूम मचा ली है। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए लाइक करें, शेयर करें उदयपुर अपलोड को। थैंक यू सो मच।